उत्तर बंगोपसागर सृष्टि आउ एक घूर्णिबलय आसंता काली सुधा एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होबा नै सूचना देछन्ती आईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्र। यार प्रभाव में आसंता दुई दिन ओडिशा रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षार संभावना रही। एथिपाई ओडिशा को दुई दिन पई ऑरेंज वार्निंग जारी करा जाय छी। 24 घंटा रे किछि जिल्ला रे अति प्रबल वर्षार संभावना रही। सुंदरगढ़, अनुगुल, देवगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज को अति प्रबल वर्षा पई ऑरेंज वार्निंग जारी करा जाय छी। एथिस झारसुगुड़ा, संबलपुर, बरगढ़, बलांगीर, नुआपड़ा, सोनपुर, बौद्ध, कंधमाल, नयागढ़, खोर्धा, कटक, ढेंकानाल, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, भद्रक, जगत सिंहपुर, बालेश्वर को येलो अलर्ट जारी कर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। आसंता काली पाई 6 जिले में प्रबल वर्षार संभावना रही। एथिपाई झारसुगुड़ा, संबलपुर, बरगढ़, सुंदरगढ़, देवगढ़, केन्दुझर को सतर्कता जारी कर समय कम दृश्यमान रहा रास्ता जलमग्न आ तलुआ अंचलगुड़िक जमि रहा संभावना रही। अनेपटे चलित मौसुमी सीजन में राज्य में जून 1 रु एजावत 507.1 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड करा जाए छी। एबे भी 10% नियंटिया वर्षा रही छी। गोटी जिला मालकानगिरी स्वाभाविक ठारू अत्यधिक वर्षा होता बेले 3 जिले में अधिक वर्षा और 15 जिले में स्वाभाविक वर्षा रेकर्ड होता बेले बाकी 11 जिले में नियंटिया वर्षा रेकर्ड करा जाए छी। ए वर्ष जिते गुड़े लो प्रेशर सिस्टम बा साइक्लोनिक सर्कुलेशन डेवलप होती बंगोपसागर में ताकुक दक्षिण ओडिशा देखि प्रायत गति कराफल कि दक्षिण ओडिशा एवं निकटस्थ केन्द्र ओडिशा रे भल वर्षा होती किंतु उत्तर ओडिशा रे भल वर्षा होना जाऊना कहीं गोटे साइक्लोनिक सर्कुलेशन एवं डेवलप होती नॉर्थ वेस्ट बंगाल यार प्रभाव में आसंता काली सुधा गोटे लो प्रेशर रे डेवलप हो पारे और यह आपेक्षिक भाव में थोड़ा उत्तर रे सृष्टि होाफल कि ओडिशार अधिकांश अंचल वर्षा होगा सहित हेवी टू भेरी हेवी रेनफॉल होवार संभावना रही है आज आली से आसंता दुई दिन ओडिशा को वार्निंग जारी कर एक जो डेफिशिएंस रही विशेषतः उत्तर ओडिशा यह किसी अंश में भरपूर हो बोली अनुमान करा जाउ छी। 24 घंटे तो अभी तो ज्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा तो हुई है, उसके अलावा 7 जगह पर वेरी हैवी रेनफॉल भी रिसीव हुई है और 15 जगह पर हैवी रेनफॉल रिसीव हुई है। सबसे अधिक वर्षा जो है बारीपदा में मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के 156.6 मिलीमीटर दर्ज की गई है। इसी के साथ जो सीजनल टोटल है वो 507 मिलीमीटर हो गया है जो कि नॉर्मल वैल्यू है 560.6 मिलीमीटर। तो इसके साथ ही अभी जो है उड़ीसा में एक लार्ज एक्सेस डिस्ट्रिक्ट है, 3 एक्सेस डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में 15 डिस्ट्रिक्ट नॉर्मल और 11 डिस्ट्रिक्ट अभी भी डेफिसिट कैटेगरी में बने हुए हैं और ओवरऑल उड़ीसा जो है 10% सामान्य से नीचे चल रहा है।